नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, ये एक और ऑन डिमांड वीडियो है और इस वीडियो की जो डिमांड है वो थोड़े अजीब तरीके से हुई है, क्योंकि एक सब्सक्राइबर है मेरे मिस्टर राहुल देमरी जी। तो राहुल देमरी जी, बिग शाउट आउट टू यू, और सॉरी अगर मैं आपका सरनेम को प्रनाउंस गलत कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। राहुल जी ने कमेंट सेक्शन में आकर कम से कम 50 चीज़ों की एक लिस्ट मेरे को कमेंट सेक्शन में आके टाइप करी है। ये 50 टॉपिक हैं रिगार्डिंग द मेडिकल फील्ड जिसके बारे में ये वीडियो देखना चाहते हैं। तो राहुल जी, मैं पूरे 50 का प्रॉमिस तो नहीं कर पाऊँगा, पर हाँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आपका पहला टॉपिक था रीनल कैलिकुलाई, तो हियर इट इज़। यह है रीनल कैलिकुलाई के ऊपर आपके लिए डिटेल्ड वीडियो, और इस वीडियो में हम रीनल कैलिकुलाई या फिर गुर्दे की पथरी या फिर किडनी स्टोन, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो वीडियो है ये किडनी में पथरी के बारे में है। अब जैसा कि आज की तारीख में हम सबको पता है कि ये जो केस है ये बहुत फ्रिक्वेंटली आबादी के अंदर पाया जा रहा है, कि लोगों को बैठे बिठाए किडनी के अंदर पथरी बन जाती है और उसके साथ उनको पेन होने लगता है और वो जाते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास, उनकी सोनोग्राफी होती है, अल्टीमेटली पता चलता है कि किडनी स्टोन है। तो दोस्तों, इसका जो बीमारी का नाम है वो कई टेक्निकल नेम भी हैं इसके, जैसे कि यूरोलिथियसिस, लिथियसिस मतलब पथरी, यूरो मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट, नेफ्रोलिथियसिस, नेफ्रो मतलब किडनी, लिथियसिस, जो लिथियसिस टर्म को आप अच्छे से सुन लीजिए, क्योंकि जो लिथियसिस जो टर्म है इससे संबंधित कुछ और वीडियो आगे आएंगे और इसके बारे में होम्योपैथी की भी एक टर्मिनोलॉजी है, उसको आपको ढंग से समझना पड़ेगा। तो कितने मतलब पर्यायवाची हैं, एक किडनी में जो पथरी है या गुर्दे की पथरी का, इसको कहते हैं रीनल स्टोन भी कहते हैं, इस चीज़ को किडनी स्टोन भी कहते हैं, इसको रीनल कैलिकुलाई भी कहते हैं, इसको यूरोलिथियसिस भी कहते हैं, इसको नेफ्रोलिथियसिस भी कहते हैं। तो ये सब एक ही बीमारी के अलग अलग नाम हैं, पर सबका अर्थ एक है कि किडनी मतलब गुर्दे में पथरी हो जाना। तो दोस्तों, अब ये तो हम समझ गए, पर अब आप में से कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि साहब वो तो गॉल ब्लैडर में भी पथरी होती है। जी साहब बिल्कुल होती है। और एक तीसरी जगह जहाँ पे पथरी होती है पर लोगों को उसका अंदाज़ा नहीं है। अब देखिए, अब मैं यहाँ से इस बीमारी के होम्योपैथिक एस्पेक्ट पे आ रहा हूँ, इसके मैं होम्योपैथिक एस्पेक्ट पे आ रहा हूँ, क्योंकि देखो एलोपैथिक एस्पेक्ट में इस बीमारी के बारे में कोई विशेष कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। सबको पता है क्या होता है, भाई किडनी में पथरी है, यहाँ पे पीछे दर्द होता है, कई बार पूरे एब्डोमिन में पेन होता है, और फिर कई बार बहुत बड़ी पथरी होती है तो उसको ऑपरेशन से रिमूवल करते हैं 20 mm के ऊपर की। अगर छोटी पथरी होती है तो फिर उसको जो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, मतलब जो वेव्स होती हैं, जो मतलब साउंड वेव्स होती हैं, उन साउंड वेव्स का एक प्रोब होता है, उसको उस पथरी के डायरेक्शन में वो साउंड वेव फायर करता है, तो जो वेव्स होती हैं उसके फ्रिक्वेंसी से वो पथरी, छोटी पथरियाँ टूट जाती हैं और अल्टीमेटली यूरिन से निकल जाती हैं। ये पूरी राम कहानी सबको पता है और बहुत अच्छे से पता है। अब आते हैं अपन होम्योपैथिक एस्पेक्ट में। इन होम्योपैथी देयर इज द नरेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है ना। ये ग्रेवेगल के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ऑक्सीजेनाइड, कार्बोजेनाइड, नाइट्रोजेनाइड, हाइड्रोजेनाइड यहाँ पे बात हुई थी। तो ग्रेवेगल के कॉन्स्टिट्यूशन के क्लासिफिकेशन में देयर इज वन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नोन एज द लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन। लिथेमिक, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, लिथेमिया। और लिथेमिया शब्द मैंने आपको किस चीज़ के लिए बताया था, भाई पथरी बनाने की जो टेंडेंसी जिस बॉडी और जिस शरीर में होती है उसको कहते हैं हम लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हाइड्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन बताया, साइकोटिक मायाजम का सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर। अब हाइड्रो मतलब पानी, जुनाइड मतलब पानी कैरी करा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसकी शरीर के अंदर जल तत्व की अधिकता ज़्यादा है, और उसी वजह से जल तत्व की अधिकता के कारण जब वेट वेट और डैम्प मतलब नमदार और नमी वाला मौसम होता है, बारिश होती है, ऐसा मौसम जिसके अंदर आर्द्रता बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो क्या होता है, साइकोटिक मायाजम के जो पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी रिएक्ट करती है, उनके सिम्टम्स ऊपर आते हैं। तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, हाइड्रोजेनाइड है ना।
उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है जिसको कहते हैं लीथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन। लीथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लीथेमिया, लीथेमिया मतलब कॉन्क्रीशन की टेंडेंसी, और यही जो कॉन्क्रीशन की टेंडेंसी है वो अल्टीमेटली कैलिकुलाई या फिर स्टोन बनाने की टेंडेंसी तक बात जाती है। मतलब किडनी हो गया, किडनी में एकदम से स्टोन नहीं बनता है, पहले जो लक्षण होते हैं, पहले हल्का हल्का सा कॉन्क्रीशन होता है वहाँ पे, वो कॉन्क्रीशन होता है और वो कॉन्क्रीशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एग्रीगेट होकर अल्टीमेटली पथरी बनाते हैं। तो जो तीन स्थान होते हैं जिसके अंदर एक लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पथरी पाई जाती है, तो पहला आप सब जानते हैं वो है किडनी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ रीनल स्टोन। दूसरा भी आप लोग सब जानते हैं वो है, अगर नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ, गॉल स्टोन। तो ये दो तो सबको पता था, मैंने लिथेमिया की और लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन और होम्योपैथी की बात करी थी, तो ये दो चीज़ आप सब लोग समझ गए थे कि यार ये पट्टा दो चीज़ बोलेगा कि किडनी बोलेगा और गॉल स्टोन बोलेगा। अब तीसरी जो है वो मैं बता रहा हूँ, तीसरी होती है जॉइंट में इन द फॉर्म ऑफ गाउट का डिपोजिशन होता है, दैट इज ऑल्सो अ लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम। समझे आप कैसे, कि जो पथरी अभी छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठे होके किडनी में पथरी बना लिया, छोटे छोटे से पार्टिकल इकट्ठे होके गॉल स्टोन में पथरी बना ली, पर जोड़ का जो डिज़ाइन है वो अलग है, वो जो जॉइंट का जो डिज़ाइन है वो एकदम अलग है। तो जॉइंट में क्या होता है, वहाँ पे भी कॉन्क्रीशन होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरेट, मतलब जो यूरिक एसिड होता है, जो गठिया का गाउट का प्रीलिमिनरी मार्कर है, वो कन्वर्ट होता है केमिकली इन द फॉर्म ऑफ यूरेट और वो डिपॉजिट होता है जा करके जॉइंट पे इन द फॉर्म ऑफ यूरेट, और इसको जॉइंट पे कॉन्क्रीशन के परिभाषा के अंदर रखा गया है। दैट इज वाई अब किडनी स्टोन किस कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, भाई किडनी स्टोन होता है लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ऐसा बंदा जो लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन का पेशेंट है तो उसके अंदर किडनी स्टोन भी होता है। कई बार एक ही बंदे के अंदर मैंने अपनी प्रैक्टिस में वेरी फ्रिक्वेंटली तीनों स्टोन देखे हैं, कई बार मैंने दोनों स्टोन देखे हैं, कई बार मैंने देखा है किडनी स्टोन भी है जॉइंट पेन भी है, कई बार मैंने देखा गॉल स्टोन भी है जॉइंट पेन भी है, कई बार मैंने देखा गॉल स्टोन भी है किडनी स्टोन भी है। तो ये होम्योपैथिकली हमने बात करी। अब थोड़ा सा हम दूसरी स्लाइड पर चलते हैं जिसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई किडनी में पथरी किस तरह की होती है, ठीक है ना। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये किडनी है, ये इस तरह से इसके अंदर कैलिक्स हो गया, कैलिक्स हो गया, रीनल पेल्विस। अब देखिए ये है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में कभी भी पथरी नहीं होती, जो कॉर्टेक्स के नीचे छोटे 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 एम्प्टी स्पेसेस हैं ये बेसिकली कैलिक्स होता है। ये जो है जब यहाँ पे सारे कैलिक्स मिलके एक यहाँ पे फनल बना रहे हैं ये रीनल पेल्विस होता है, ठीक है ना, और ये अपर यूरेटर होता है। तो जो स्टोन होता है किडनी के अंदर स्टोन होता है, इसकी अलग अलग पोजीशंस होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चित्रों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये एक देखिए ये इस तरह से एक डायग्राम के अंदर ये बताने की कोशिश की गई है, एक डायग्राम में ये बताने की कोशिश की गई है, और ये एक डायग्राम में, उसमें से आप में से ज़्यादातर अगर डॉक्टर्स हैं तो उनने 500 बार इसका देखा होगा सोनोग्राफी, और अगर आप लोग पेशेंट्स में इंकॉर्पोरेटेड हैं तो आपने पक्का देखा होगा। अब अपन बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट की। तो रीनल स्टोन का एक टेक्निकल एस्पेक्ट मैंने बताया कि होम्योपैथिकली इसको किस कैटेगरी में रखा गया है। तो होम्योपैथिकली इसको रखा गया है लीथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है वीडियो को, क्यों होता है पथरी, लीथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम क्या होती है। लीथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन की जो दिक्कत होती है कि आपको एक बात पता है कि किडनी क्या करती है, किडनी जो होती है ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, और उस ब्लड के फिल्ट्रेशन में से पानी और कुछ अनवांटेड प्रोडक्ट को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन ये फिल्टर करती है, और वो जो है फिल्ट्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर में आता है, और हम उसको एट द टाइम ऑफ नेसेसिटी हम वॉइड कर देते हैं। तो ये किडनी का काम है। अब इसमें एक चीज समझने की ज़रूरत है कि ब्लड फिल्टर हुआ तो क्या बना, यूरिन बनी ना, ब्लड फिल्टर हुआ तो क्या बना, यूरिन बनी। अब यहाँ पे रीनल स्टोन के पेशेंट के अंदर बेसिक प्रॉब्लम दोस्तों ये होती है कि जो उसका यूरिन होता है, आप सब पीएच समझते हैं, है ना, पीएच आप सब लोग समझते हैं ना। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पीएच का रेंज बताता हूँ, है ना, पीएच, पीएच स्केल या पीएच मीटर की मैं बात कर रहा हूँ।
तो दोस्तों अब ये डायग्राम देखिए आप, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ये डायग्राम जो मैं बताना चाहता हूँ, है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये है ना। आप इस डायग्राम को गौर से देखिए कि ये होता है पीएच। पीएच हर एक तरल के अंदर पीएच होता है, स्किन के अंदर भी पीएच होता है। पीएच क्या होता है? पीएच एक स्केल होता है कि भैया कि हमारा सरफेस या फिर हमारे सिक्रीशंस एसिडिक हैं कि बेसिक हैं, समझिए आप, ये पीएच कहलाता है। अब जीरो से पीएच स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है, तो जीरो से लेके 7 के थोड़ा पहले, 6 के एंड तक ये होता है एसिडिक। 8 की शुरुआत मतलब 7 के अंत से लेके 14 तक ये होता है एल्कलाई या फिर बेसिक, एसिडिक और बेसिक, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो 7 है वो न्यूट्रल पीएच होता है। अगर आप में से ज़्यादातर लोगों ने यूरिन का रिपोर्ट कर देखा हो, मतलब कोई भी यूरिन एनालिसिस अपनी लाइफ में देखा होगा, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि ये जो यूरिन होती है, यूरिन का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है। उससे होता क्या है कि ये जो यूरिन का जो पीएच है जो कि एसिडिक है, तो इसके अंदर जितने भी सॉल्वेंट्स जैसे कैल्शियम ऑक्सीलेट सिस्टीन वगैरह वगैरह जो भी पथरी बनाने वाली चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर घुलनशील रहती हैं, वो इसमें यूरिन में घुली हुई रहती है। मेरी बात समझिए, क्यों? क्योंकि यूरिन एसिडिक है। अब एसिड में चीज़ों को घोलने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ओर्स। ये जो मेटल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं, जो सोना निकालते हैं, चांदी निकालते हैं, आयरन निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं? ये उसको एसिड के अंदर डुबा के रखते हैं और एसिड के अंदर मेटल गलने के बाद प्रेसिपिटेट हो जाता है, उस मेटल को अलग कर लेते हैं, समझिए आप मेरी बात। तो एसिड जो होता है, एसिडिक चीज़ के अंदर चीज़ें घुल जाती हैं, ठीक है ना। उसी के कारण यूरिन हल्का सा एक आम आदमी के अंदर एसिडिक होता है, और उस एसिडिक यूरिन के अंदर जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो सब घुले हुए रहते हैं, और वो घुले हुए रहने की वजह से यूरिन को बिना ब्लॉक करे सीधे नीचे की तरफ मतलब ब्लैडर से वॉइड होते रहते हैं। पर एक पथरी के पेशेंट की दिक्कत क्या होती है कि जो मैंने आपको ये पीएच समझाया है ना, मैंने आपको ये जो पीएच समझाया कि उसका जो यूरिन होता है वो मान लो पहले था उसका, अगर एसिडिक था तो मान लो उसका पीएच था 5 या 4, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो 5 या 4 था, 4 से उसका पीएच हो गया 6 हो गया, मतलब वो कम एसिडिक हो गया, मतलब उसकी एसिडिटी कम हो गई। यहाँ पे एसिडिटी के अंदर उल्टा है, 7 मतलब सबसे कम एसिडिक और 2 या 1 मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक। तो पहले अगर उसकी पीएच थी 4, तो उसकी जो 4 पीएच थी वो एसिडिक ज़्यादा थी, और वो ज़्यादा एसिडिक होने के कारण ये सारे आइटम कैल्शियम ऑक्सीलेट वगैरह वगैरह वो सब घुले हुए थे यूरिन में, और इस वजह से वो प्रेसिपिटेट नहीं हो रहे थे और पथरी नहीं बन रही थी। पर इसको बीमारी की वजह से इसकी जो पीएच है वो 4 से हो गई 6, मतलब इसकी पीएच हो गई कम एसिडिक। कम एसिडिक मतलब उसकी एसिडिटी कम हो गई। जब उसकी एसिडिटी कम हुई तो जितने भी पार्टिकल उसकी यूरिन में थे जो घुले हुए थे वो सब प्रेसिपिटेट हो गए, और वो जब प्रेसिपिटेट हुए तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होके उनने पहले कॉन्क्रीशन की शुरुआत की कि छोटे 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 क्रिस्टल्स कैल्शियम ऑक्सीलेट के बने, ये इनिशियल फेज में हुआ। यही जो क्रिस्टल हैं ये सब आपस में जुड़ गए, आपस में जुड़ने के बाद ये क्या है, इनने छोटी सी पथरी बना ली जो मे बी 2, 3, 4 mm की थी, और यही चीज़ जब लंबे समय तक चलती है तो उसको कहते हैं हम लार्ज कैलिकुलाई का फॉर्मेशन होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज कैलिकुलाई डेट मे रेंज फ्रॉम द 12, 13 to 20 mm, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि होम्योपैथिकली इसका क्या कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट है लीथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट का, क्योंकि ये लीथेमिक पेशेंट होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर टेंडेंसी होती है पथरी बनाने की। वो टेंडेंसी हमको 3 जगह दिखती है, इन द फॉर्म ऑफ रीनल स्टोन, गॉल स्टोन एंड द गाउट, ठीक है ना। दूसरी चीज़ हमने समझी एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका टेक्निकल एस्पेक्ट, कि भाई यूरिन की एसिडिटी जो है, जब वो एसिडिटी कम हो जाती है, यूरिन की एसिडिकनेस कम हो जाती है, तो उसके अंदर जितनी चीज़ें घुली थी वो प्रेसिपिटेट होकर पथरी बना लेती हैं। अब आते हैं सीधे सीधे ट्रीटमेंट पे। दोस्तों 14 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है वीडियो,
एलोपैथी में मैंने वीडियो के शुरुआत में पहले ही बताया था, कोई इलाज नहीं है। जो बहुत बड़ी पथरियाँ होती हैं उसको नेफ्रोटॉमी से निकाला जाता है, मतलब चीरा लगा के फिजिकली पथरी तक जाते हैं और उसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जो दूसरा ट्रीटमेंट होता है छोटी पथरी के लिए एलोपैथी में, वो होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लीथोट्रिप्सी। लीथो मतलब पथरी, ट्रिप्सी मतलब तोड़ना, एक्स्ट्रा मतलब बाहर से, कॉर्पोरियल मतलब बॉडी के बाहर से, शॉक वेव मतलब शॉक वेव, ये होती है साउंड वेव। ये साउंड वेव मतलब कोई ऐसा यंत्र होता है, उसको पथरी को सोनोग्राफी से लोकेट करके उसकी तरफ क्या करते हैं, वो साउंड वेव को फायर करा जाता है और वो साउंड वेव इस पथरी को रेजोनेंस से तोड़ देती हैं और ये छोटे छोटे टुकड़े ऑटोमेटिकली यूरिन से पास आउट हो जाते हैं। अब सबसे पहली चीज़, क्या ये लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट है? बिल्कुल नहीं। मेरे पास ऐसे पेशेंट आ चुके हैं जिनको अपनी लाइफ में चौथी या पांचवी बार पथरी हुई है मेरे पास आते तक, मतलब उससे पहले दो मरतबा उसने देसी दवा खा ली, दो मरतबा उसने ऑपरेशन करा लिया, उसको फिर से पथरी हुई, वो तब कहीं उसने सोचा कि हम होम्योपैथी में जाएंगे। दोस्तों होम्योपैथी का सबसे बड़ा फ़ायदा, बिना कोई ऑपरेशन के पथरी निकल जाएगी, पहली चीज़। हाँ देखो, यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि बहुत बड़ी पथरी है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। बीइंग होम्योपैथ हम भगवान नहीं हैं। बहुत बड़ी पथरी है कि 30 mm 35 mm स्टैग हॉर्न कैलिकुलस होता है, स्टैग हॉर्न कैलिकुलस। दोस्तों अगर ये आपके पास केस आता है आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वॉट इज स्टैग हॉर्न कैलिकुलस। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, स्टैग हॉर्न कैलकुलस, मतलब आप ये ना सोचें कि मतलब कोई भी पथरी आप निकाल लेंगे, आप नहीं निकाल पाएंगे कोई भी पथरी, है ना। अगर बहुत बड़ी पथरी होगी तो आप नहीं निकाल पाएंगे। दोस्तों ये दिस इज द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्टेग हॉर्न कैलकुलस। आप देख रहे हैं, स्टेग हॉर्न कैलकुलस का मतलब होता है कि पथरी ऑलमोस्ट उतनी बड़ी है जितनी बड़ी किडनी है। जितनी बड़ी किडनी है, अगर किडनी इतनी बड़ी है तो स्टेग हॉर्न कैलकुलस होगा कम से कितना बड़ा, और वो होता है कम से कम 35-40 मिलीमीटर का, मतलब सोचिए कितना बड़ा हो सकता है। ये देखिए, ये है दूसरा एग्जांपल स्टैग हॉर्न कैलकुलस का। तो दोस्तों यहाँ पे एक लिमिटेशन है वाकई में, कि आप जो है मुंह उठा के ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब मैं सब कुछ सही कर दूंगा, नहीं होता ऐसा। 20 mm तक की पथरी होम्योपैथी से लगातार इलाज करेंगे वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब एक और चीज़, क्या हम कोई ऐसे पेशेंट के लिए कुछ कर सकते हैं जिसकी पथरी निकल चुकी हो, या फिर उसने ऑपरेशन करा लिया हो, या फिर उसकी पथरी अपने आप निकल गई हो, या फिर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लीथोट्रिप्सी से निकली हो? बिल्कुल दोस्तों, हम दोनों केस में जगत के काम आ सकते हैं रीनल कैलकुलाई में। अगर आपको पथरी थी, आपने ऑपरेशन करा लिया है, तो अभी भी आपको होम्योपैथिक इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि होम्योपैथिक इलाज से आपको वो पथरी दोबारा नहीं बनेगी। क्योंकि ये 100% सही है, अगर आपने होम्योपैथिक दवाएं नहीं खाई अपनी पथरी के निकलने के बाद, तो ये कुछ सालों में आपको वापस बन जाएगी। और ऑब्वियस बात है, इन द सेकेंड मैनर हम लोगों की मदद कर सकते हैं कि दीज पेशेंट जिनको 20, 22, 25 mm से छोटी पथरियाँ हैं, वो सीधे एक होम्योपैथ के पास आके बिंदास इलाज करा सकते हैं और आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, सीधी सीधी दवाओं पे आते हैं। सबसे देखो, अब मैंने आपको लीथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी, है ना, तो अब यहाँ पे मैं आपको दो प्रकार की मेडिसिन बताऊँगा। लीथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने के लिए जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम 30 एंड द सेकेंड मेडिसिन इज कैल्केरिया कार्ब 30। आप समझिए, इसके अंदर आपको बहुत टेक्निकली काम करना पड़ेगा। लाइकोपोडियम 30 एंड कैल्केरिया कार्ब 30, ये लीथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन के कवरेज के लिए हैं मेडिसिन। और जो दो मूलभूत रूप से मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन समझता हूँ, या फिर मैं तीन बताता हूँ कि वीडियो बिल्कुल कम्प्लीट हो जाए, ये तीनों मेडिसिन पहली बात तो मदर टिंचर में चलते हैं। इसमें से दो तो बहुत सारे आपको सभी पता होंगे, पर अब दिक्कत क्या है उसके साथ मैं ये भी बताता हूँ। जो तीन मेडिसिन हैं जो मदर टिंचर चलते हैं मूलभूत रूप से पथरी के केस में, वो है कैंथारिस क्यू, बर्बेरिस बुल्गारिस क्यू एंड सारसापेरिला क्यू। देखिए, ये अलग अलग कंडीशन के अंदर आपको यूज़ करने हैं अपना दिमाग लगा के। और आम जनता के लिए बता देता हूँ कि अगर मान लो प्लेन पथरी है, मतलब साधारण पथरी है, यूरिन में बर्निंग वगैरह का सेंसेशन नहीं है, तो
तो आप लाइकोपोडियम 30 एंड कल्केरिया कार्ब 30 को खाएंगे गोलियों में, चार चार गोली दिन भर में 3 बार, और प्लस इस वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि दोनों अलग अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ये मैं बता रहा हूँ बिना बर्निंग वाली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें जलन नहीं हो रही यूरिन में। तो आपको खाने के लिए कल्केरिया कार्ब 30 और लाइकोपोडियम 30 खाना है, चार चार गोली दिन भर में 3 बार। क्यों? क्योंकि आपका लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन को मायजमेटिकली मेरे को कवर करना है। और क्लिनिकल जो मेडिसिन दो आपके लिए होंगी कि आपको बर्बेरिस बुल्गारिस मदर टिंचर और सारसा पेरिला मदर टिंचर जो है ये आपको पीना है 10-10 बूंद आधे कप पानी में दिन भर में 3 बार। और वही जो दूसरा कैटेगरी है उन पेशेंट का कि जिनको यूरिन में इंटेंस बर्निंग है, तो वो जो है इस पर्चे के साथ, ये पूरा पर्चा सेम है, बस एक मेडिसिन उसमें आपको ओवर ऐड करना है, मतलब आप कल्केरिया कार्ब भी खाओगे, लाइकोपोडियम भी खाओगे चार चार गोली 3 बार, और बर्बेरिस बुल्गारिस और सारसा पेरिला पियोगे भी आप 10-10 बूंद दिन भर में 3 बार, प्लस इसके साथ आपको कैंथारिस का मदर टिंचर भी लेना है 10-10 बूंद दिन भर में 3 बार, सिर्फ उस दिन तक जिस दिन तक आपको यूरिन में जलन बंद नहीं होती। और दोस्तों, लाइकोपोडियम और कल्केरिया कार्ब जैसी मेडिसिन की एब्सेंस के कारण ही, क्योंकि देखिए बर्बेरिस बुल्गारिस कैंथारिस सारसा पेरिला सब जानते हैं, ये हर सड़े, ये तो व्हाट्सएप पे चल रहा है, ये फेसबुक पे लोगों को पता है, ये आम आदमी को पता है, पर ये काम नहीं करता। आप जानते हैं मेरे पास आते हैं लोग, सर ये मैं ये पी रहा था, कहाँ से देखा था? फेसबुक से देखा था, व्हाट्सएप पे देखा था, मैं ये पी रहा था पर मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। भाई जब तक डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मायजमेटिक मेडिसिन नहीं दोगे तो कैसे होगा फ़ायदा भाई? क्योंकि ये तो फर्स्ट ईयर के लौंडे जानते हैं यार, बोलेंगे पथरी की दवा बता तो वो बोल देगा कि बोले कैंथारिस दे दो और बर्बेरिस बुल्गारिस दे दो, तो ऐसे तो फिर बंद हो जानी थी पथरी, सबको पता, सब पियो खाओ मजे में रहो, नहीं होता पर, है ना। तो दोस्तों ये बहुत लंबा सा वीडियो था रीनल कैलकुलाई के ऊपर, उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत जल्द अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।